अमृतसर के बी ब्लाक मार्केट च बेसमेंट च बनी एक दुकान विच भारी अग लगी। जिस दुकान विच अग लगी है वह टाइलों की दुकान दसी जाती है। तो यह अग लगन का कारण शॉर्ट सर्कट दसया जा रहा है। मौके पर दमकल विभाग दीयां गड्डियां पहुंच गई ने ते उन्होंने अग बुझाउणी शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के अग के कारणों की जांच करनी शुरू कर दी है। फिलहाल तुसीं देखो मौके पर पहुंचे अधिकारियों का की कहना है। बिल्डिंग का नाम कुशल्या टावर है। किस तरह आग लगी बिल्डिंग पर? ये शॉर्ट सर्कट होया है एकदम, तो धुआं काफ़ी इकट्ठा हो गया। तो गार्ड ने इनफॉर्म किया कि उपर बड़ा धुआं आ रहा है। तो मौके के उत्ते ही फिर फायर ब्रिगेड नूं किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर फायर ब्रिगेड। वो बड़ा ही स्पीड से आए ने, उन्होंने रैपिड एक्शन लिया। उन्होंने अपनी सारिया नवी किटा यूज़ की, अग नूं कंट्रोल फटाफट कर लिता। नुकसान कुछ नहीं होया। नुकसान जी उत्थे बिजली तारा गया सी जड़ियां, है जी, उन्होंने करके काफ़ी धुआं जनरेट हो गया सी। रब दा लख लख शुक्र बचा हो गया। नहीं कोई जानी मानी नुकसान नहीं। अजक उस तरह ही लॉकडाउन है तो बिल्डिंग है नहीं सी, तो बाहर गार्ड बैठता ही, गार्ड ने दसता सी तो मौके पर कंट्रोल हो गया। फायर ब्रिगेड ने बहुत वधिया काम किया जी। मैं आई एम रियली थैंकफुल फॉर फायर ब्रिगेड। नहीं तो लोग यह समझते जी फायर ब्रिगेड बड़ा लेट आता, पर बड़े टाइम सिर आया। इन्होंने बहुत अपनी मुस्तैदी दिखाई है तो सारा स्टाफ जरा उन्होंने टाइम सिर पहुँचे इतने। लवप्रीत सिंह स्टेशन फायर अफसर अमृतसर। ये इस तरह भी शॉर्ट सर्कट ना फायर हुई है बेसमेंट के बिल्डिंग ने, जिते कि टाइल्स का शोरूम से तो उत्थे काफ़ी भयानक फायर सी। साड़िया मौके पर उस वे चार गड्डिया म्यूनसिपल कारपोरेशन अमृतसर दियाँ तो एक सेवा सोसायटी की फायर टेंडर जोड़ा मौके पर पहुँचा। यही गल सी भी जी फायर सी इन्नी भयानक सी भी वो सैकेंड फ्लोर तक फायर जी चली गई सी। तो फायर ब्रिगेड ने इमीजिएट कंट्रोल करके तुसी देख ही रहे हो भी बिल्डिंग के बाकी फ्लोरस भी सेव कर लिया, तो जी बेसमेंट ही वह भी फायर जी है उन्होंने भी उस वे मिनटों मिनट ही बुझा दिता। तो 5 मिनट तो पहला साड़िया गड्डिया जीडिया इस मौके पर पहुँच गई। नुकसान का अंदाजा बाद चलाया जाएगा क्योंकि जदों तक सारा फायर अजे पूरी चल रही है इस वेले, तो बाकी दी बिल्डिंग्स भी सेव कर लिया ने, नाल दी भी जिन्हें ने, तो जिहड़ी बिल्डिंग च फायर सी वह भी सेव कर ली। बिल्कुल नहीं जी, कितने भी फायर ब्रिगेड ने उस बिल्डिंग नूं भी नहीं इन्ना नुकसान होने दिता जिहदे विच फायर सी। तुसीं देख लो भी साडे हाईटैक इक्विपमेंट्स यूज़ करके साडे फायरमैन ने, ब्रीदिंग ऑपरेटर सी, हैंड कंट्रोल ब्रांचा सी, स्मोक डिटैक्टर सी, उन्हां नूं यूज़ करन दे नाल ही असी सीट ऑफ फायर तक पहुँच सके भी जिथे अग लगी उस जगह पर पहुँच गए तो इमीजिएट फायर नूं कंट्रोल कर। कोई जानी नुकसान नहीं आया जी। आउंदे बिल्डिंग नूं खाली करवा दिता गया सी, जिदा कि तुसीं देख रहे हो थले आंध्रा बैंक सी उहदे भी कोई एक इत्थों तक एक फाइल तक नहीं नुकसान होने दिता सी, तो मौके से सारा कंट्रोल कर लिया गया। ये कोई फोन आया है राहगीर का जरा दस रहा है कि बिल्डिंग जो 25-26 नंबर एस सी धुआं निकल रहा उत्ते। आप फायर ब्रिगेड वाले कॉल किया, फिर जाके देखा कि उत्ते नहीं थले बेसमेंट भी अग लगी टाइलों की, जो कोई शोरूम है उन्होंने कंट्रोल कर लिया अग के उत्ते। कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं, टाइलों का थोड़ा नुकसान है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने वधिया बड़ा वधिया काम किया। बिल्डिंग का कोई खास नुकसान नहीं है, बस तारा जो शॉर्ट सर्कट हुई है तारा। अमृतसर तो धर्मवीर गिल, खबर हरपल इंडिया लिए।